हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं उमेश प्रसाद। आज हम हैं पटना के अलीसाबाद इलाके में और यह है चौहरमल नगर। आज चौहरमल नगर में बाबा चौहरमल की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर खास करके दलित वर्गों के लोगों का खास जमावड़ा लगा है, मेला लगा है और हम आपको आज इस मेले में घुमाएंगे और दिखाएंगे कि बाबा चौहरमल जयंती अलीसाबाद के चौहरमल नगर में किस तरह मनाई जाती है। ये इलाका पटना का है, बिहार के राजधानी क्षेत्र का इलाका। देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे नाच गान चल रहा है और महिला पुरुष हर तरह और बच्चे खास करके खूब आनंद उठा रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं। यहाँ पे हमें आके बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय किए, बहुत एंजॉय किए। आज चौहरमल बाबा का पूजा किया साथ में भी और मुझे हम लोग का बहुत मजा आया इस मेला में आकर के। अभी तो जस्ट आई है और पूजा किया है, घूमेंगे घूमेंगे और सब लोग घूमेंगे, देखेंगे बाबा की पूजा, देखेंगे घर आओगे, नाच देखेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। ये है चौहरमल नगर में चौहरमल बाबा का मंदिर और इस मंदिर में चौहरमल बाबा की देख सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति आदमकद प्रतिमा है। यहाँ पे लोग जो दलित हैं, यहाँ के दलित तबके के लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। हमारे साथ बैठे हैं अभी राजेंद्र पासवान महंत, इनसे जानते हैं कि बाबा चौहरमल कौन है और लोग इनको इस तरह से देवता की तरह खास करके दलित समाज के लोग क्यों पूजते हैं। स्कूल में दोस्ती हुआ दोनों से, चौहरमल बाबू से उनसे, तो अजीत सिंह से। कहाँ के रहने वाले थे ये? मोकामा। तो दोस्ती हुआ तो वो रेशमा है जो इनसे प्रेम करना चाहा जो हरमल बाबा से, तो इन्होंने कह कि नहीं हमारे भाई लगते हैं और हम आप जैसा कर्म करेंगे कभी नहीं होगा, मर जाएंगे मर जाएंगे। रेशमा किन की बहन थी? रेशमा अजब अजब सिंह के ये बहन। जी जी, अजब सिंह चौहरमल बाबा के दोस्त थे। जी, चौहरमल बाबा के दोस्त अजब सिंह की बहन थी रेशमा। जी सर जी, कोई दोस्ती लगा तो दोनों में भैया हुआ झूठो मूठो जाके आचरण कर दिए चौहरमल बाबा के कि देखिए ना हमको चोली वगैरह फाड़ दिए हैं, कौन फाड़ा है तो चौहरमल फाड़ा है, झूठ मूठ कैसा बोल दिए, उसके लिए पूरा दोनों दल से तनाव हो गया, मार काट होने लगा। जी पूरा सब में मार काट हुआ, यही सब कहानी है। उसके बाद क्या हुआ? मार काट हुआ, उसके बाद उनको चौहरमल के चचा के यही सब के ले जाके जेल में बंद कर दिए। तो इनको पता चला चौहरमल के कि हमारे चचा हमारे पिता सबको ले जाकर अजमीर सिंह बंद कर दिया है, इसलिए उनसे युद्ध की इन। तो सच्चा रेशमा तंग किए इनको, तो रेशमा एक कुंड था उसमें जल गया और चौहरमल निकल गए, कुंड में दोनों कूद गए, रेशमा भी कूद गई और वो भी कूद गए, रेशमा जल गई और चौहरमल निकल गए, यही कहा। हाँ, हमारे समाज के लोग उनको एक संत के रूप में माने और आज भी उनके जो है हम लोग है ये एक देवता के रूप में उनको पूजा अर्चना करते हैं। कम शब्दों में कहें तो बाबा चौहरमल जो थे वो पासवान जाति से थे, जो कि दुसाध भी जिनको कहा जाता है, दलित समाज से आते हैं, वो मुकामा में रहते थे, मुकामा में ही भूमिहार जाति से आने वाली एक लड़की रेशमा उनसे प्यार करती थी और चौहरमल बाबा उनको अपनी बहन मानते थे, इसलिए उनके प्यार को वो स्वीकार नहीं किए। इससे चिढ़ के रेशमा ने उन पर कल गलत गलत आरोप लगाए, तब चौहरमल बाबा और अजब सिंह में युद्ध हुआ और इस युद्ध में चौहरमल बाबा जीते और दलितों का मान सम्मान बढ़ाए और उनका कहना है कि इसके बाद चौहरमल बाबा ताल क्षेत्र मुकामा में जाके बच गए, अखाड़ा वहाँ चलाए और वहाँ बहुत सारा डी हुए। कोई भी कमजोर तबका के ऊपर या कोई भी किसी भी के ऊपर जुल ढाने का काम करेगा, तो जिस तरह से चौहरमल बाबा अन्यायियों से लड़ने का काम किया था,
हम सब लोग उसी विचारधारा को आत्मसात करके अन्यायियों के खिलाफ लड़ करके, अत्याचारियों के खिलाफ लड़ करके और आम गरीबों की रक्षा करेंगे, जो दलित पीड़ित शोषित लोग रक्षा करने का काम। सुना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस अवसर पर मुझे बुलाया चोहलमल बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए और आपसे दो शब्द कहने का अवसर प्रदान करने का काम किया। आप सब लोगों को पुनः बधाई देते हुए और बाबा चोहलमल के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेंगे सब कोई जवार पठार सब तरह के आदमी, इनका जय जयकार करेंगे।